अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा सेहत और तंदरुस्ती दे। तो अल्लाह पाक के जिनके वालदैन इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और जिनके वालदैन अभी ज़िंदा है अल्लाह पाक उन्हें लंबी जिंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो अल्लाह पाक जिनकी बेटियां घरों में बैठी हैं उनको नेक सबब बनाए, उनके नसीब अच्छे करे अल्लाह पाक। तो इस रमज़ान के सदके अल्लाह पाक जो है इस बीमारी को ख़त्म कर दे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं बनाने लगी थी पकोड़े, सिंपल सी रेसिपी है, क्रिस्पी पकोड़े बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आप बहन भाइयों से शेयर कर देती हूँ। तो ये देखें, मैंने इस तरह से आलू काट लिए हैं क्रिस्पी पकौड़ों के लिए। तो मेरे प्यारे बहन भैया, मैं रेसिपी की तरफ आने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल का बटन ऑन कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मेरे प्यार बहन भाइयों, आते हैं पकोड़ों की रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए, पकोड़ों की रेसिपी के लिए मैंने ले लिया है ये बेसन। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने बेसन लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया, इसके लिए बेसन थोड़ा सा चाहिए होता है। और ये मैंने आलू इस तरह से काट लिया, ये देखिए बहुत बारीक बारीक और ये लंबे काटे हैं। तो उसके साथ ही मैंने ये ले ली हैं सब्ज़ मिर्चें, और ये थोड़ी सी प्याज है, ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, और उसके बाद ये एक बड़ा चम्मच खुश्क धनिए का है, और ये एक छोटी चम्मच जीरे की है, ये एक बड़ी चम्मच सुरख मिर्च है, और ये छोटी चम्मच एक नमक है। नमक हसबे ज़रूरत आप लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले मैं इसमें चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ बेसन में। तो देखिए, मैंने बेसन लिया है, तो इसमें मैं सबसे पहले ये चीज़ें ऐड कर लेती हूँ। ये देखें, ये सुरख मिर्चें, नमक, ज़ीरा और खुश्क धनिया, ये मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ। ये सब्ज़ मिर्चें और प्याज भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और उसके बाद इसके साथ ही मैं ये आलू भी इसमें शामिल कर लूँगी। इस तरह से बारीक बारीक लंबे आलू काटेंगे तो तब भी ये जो है क्रिस्पी बनेंगे पकोड़े। तो इस तरह से लंबे आलू काटने हैं आप लोगों ने। तो ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और ये मसाला मैं जो है हाथों से मिक्स करूंगी, चम्मच से नहीं, क्योंकि चम्मच से मुश्किल होता है, हाथों से इजीली मिक्स हो जाता है क्योंकि इसमें बेसन कम होता है। तो मसाले को थोड़ा थिक रखना है। ये मैंने थोड़ा सा डाल लिया इसमें पानी, और साथ में इसमें एक चम्मच घी भी ऐड करूंगी। तो ये देखिए मेरे प्यारे बहन भैया, ये मैंने चीज़ें इसमें डाल लिया है, पानी भी शामिल कर लिया है, घी भी डाल लिया। अब मैं इसको इस तरह से मिक्स करना शुरू कर दूंगी। तो ये देखिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, मसाला तैयार हो चुका है, ये बिल्कुल तैयार है। अब मसाला मैं अब पकौड़े निकालने शुरू करूंगी, और इन पकौड़ों को कढ़ाई में डालना भी घी में जो है उसमें हाथों के साथ ही। तो ये देखिए माशाल्लाह से, तो ये पकौड़े भी बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो अब मैं घी ऊपर रखती हूँ चूल्हे पर, और पकौड़े बनाना शुरू करती हूँ। तो देखिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, घी गर्म हो चुका है। घी मैंने जो मतलब जिसमें रोज़ पकौड़े वगैरह बनाती हूँ मैंने वही लिया है। तो ये देखिए, मैं हाथों से पकौड़े डालूंगी इसमें। अब इस तरह से हाथों से पकौड़े डालते जाएंगे स्लो स्लो, और आंच भी थोड़ी स्लो कर देंगे ताकि आलू सही पक जाएं और जो सही क्रिस्पी बने।
तो ये देखिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये देखिए पकोड़े बन चुके हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बने हैं, ये देखें। तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, तो फिर और डालेंगे इसमें। तो ये देखिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैंने पकोड़े निकाल लिए, अब मैं इसमें रखूँगी बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है पकौड़ों की। तो ये देखें, इसके साथ ही मैंने ये बना लिया चटनी भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो ये देखें मेरे प्यारे बहन भाइयों, पकौड़े हो चुके हैं तैयार। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अपनी इस बहन को दुआओं में याद रखिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल का बटन ऑन कर दीजिएगा कि ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी वीडियो। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे हमेशा। तो अपनी इस बहन को दे इजाज़त और अल्लाह हाफिज़।